नमस्कार दोस्तों, मेरा राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है सिंह लगन के अंदर चंद्रमा कैसे रिजल्ट देते हैं। तो लगन के अंदर पांच लिखा है, पहले भाव में पांच लिखा है, तो आप समझ लीजिए सिंह लगन के जातकों की कुंडली हुई। अब इसमें 12 भाव होते हैं, 12 भाव के अंदर चंद्रमा जरूर कहीं ना कहीं होंगे, तो हर भाव के अंदर वो कैसे रिजल्ट देंगे इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, कुछ बेसिक चीजों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। चंद्रमा किस किस चीज के कारक है? मन के कारक है, चंचलता के कारक है, कल्पना के कारक है, माता के कारक है, पानी के कारक है, चांदी के कारक है, नींद के कारक है, कॉन्फिडेंस के कारक है, और बीमारी में नींद से रिलेटेड या फिर पीलिए से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड बीमारियों के भी कारक देखे गए हैं। तो अगर चंद्रमा अच्छे हैं कुंडली के अंदर तो इनसे रिलेटेड आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे, नहीं तो थोड़े बहुत इनसे रिलेटेड नेगेटिव फल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सिंह लगन के अंदर चंद्रमा को 12वां भाव मिला है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता, त्रिक भाव का, तो इस वजह से वो मारक बने इस कुंडली के अंदर। हालांकि सिंह लगन भी देव ग्रह में आते हैं, सिंह लगन के जो स्वामी होते हैं सूर्य देव, उनके चंद्रमा मित्र होते हैं और दोनों ही देव ग्रह माने जाते हैं, पर उनको भाव अच्छा नहीं मिला। तो आज हम देख लेते हैं हर भाव के अंदर चंद्रमा कैसे रिजल्ट देते हैं। तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में हमेशा ध्यान दें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। दृष्टि, हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, इसी प्रकार चंद्रमा अगर पहले भाव में बैठे हैं तो उनकी कौन सी दृष्टि होती है? चंद्रमा की सातवीं दृष्टि होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहां बैठे हैं तो यहीं से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इस भाव के रिजल्ट तो वो देंगे ही, जहां उनकी दृष्टि गई तो इस भाव के भी रिजल्ट देंगे। तो एक साथ साथ दो भाव को वो देखते हैं। अंश, हर ग्रह का 0 से 30 के बीच में अंश होता है, 0 से 30 के बीच में डिग्री होती है। इसी प्रकार अगर चंद्रमा 0 से 2 बाल अवस्था या 29-30 मर्द अवस्था में हुए तो फिर वो ना अच्छा फल देंगे ना वो बुरा फल देंगे, ना वो न्यूट्रल हो जाएंगे, ना वो सकारात्मक फल देंगे ना वो नकारात्मक फल देंगे। दशा, जो भी सकारात्मक या नकारात्मक फल होगा सिंह लगन के अंदर चंद्रमा का, वो चंद्रमा की दशा का अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा के अंदर ही आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं सिंह लगन के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेंट, चंद्रमा का 12 भाव में हर प्लेसमेंट के ऊपर हर भाव के अंदर वो कैसा रिजल्ट देंगे। तो लगन के अंदर जातक बहुत सुंदर होगा, जातक बहुत दिल का अच्छा होगा, जातक बहुत प्रभावशाली होगा, जातक बहुत भाग्यशाली होगा, पर जातक इमोशनल होगा, छोटी छोटी चीजों को लेकर खुश होना, छोटी छोटी सी चीजों को लेकर दुख होना। जातक का विदेश में भी योग बनाएंगे, जातक अगर विदेश जाता है तो विदेश में बहुत अच्छा फल मिलता है जातक को, पर जातक ज्यादातर अपने कुटुंब से दूर जाने वाला होता है तभी उसका भाग्य उदय होता है। जातक को पत्नी का सुख मिलेगा, सातवीं दृष्टि विवाह भाव पे पत्नी भी जातक की बहुत भाग्यशाली होगी और जातक को माता का भी सुख मिलेगा। चंद्रमा दूसरे भाव के अंदर अपने शत्रु राशि के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे, तो धन का भाव बना रहेगा जिंदगी भर जातक को। धन के लिए जातक को कुटुंब से दूर जाके ही पैसे कमाना पड़ सकता है, धन अपने कुटुंब से दूर जाकर तभी जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जातक मीठी वाणी बोलने वाला तो होगा और जातक की आंखें भी अच्छी होगी, जातक की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होगी, पर जातक को संघर्षमय जिंदगी जीने होगी, संघर्षमय करके कुटुंब से दूर जाके तभी जातक को थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तीसरे भाव के अंदर भी वो अपनी शत्रु राशि के अंदर है तो यहाँ पे कैसे रिजल्ट देंगे, तो छोटी भाई बहनों का तो छोटे भाई बहनों से प्यार तो करेंगे बट उनसे मतभेद लगे रहेंगे, गले की दिक्कत बनी रहेगी जातक को, जातक को नजले जुखाम से रिलेटेड बीमारी भी देखी गई है। पर अगर यहाँ पे शुक्र बैठ गए तो फिर जातक संगीत के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में बहुत अच्छे एक यहाँ पे योग बनाता है और इस क्षेत्र में बहुत अच्छी जगह पे जातक को देखा गया है। पर अगर यहाँ पे शुक्र नहीं है, चंद्रमा नहीं है, फिर जातक को परिश्रम करा के तभी कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और 22 साल बाद जातक को थोड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य उदय होगा जातक का। चौथे भाव के अंदर चंद्रमा यहाँ पे बीच के हो जाते हैं तो यहाँ पे कैसे रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। हालांकि दिग्बली हो जाएंगे तो दिग्बली में थोड़े अच्छे रिजल्ट देंगे, पर नीच के होने के कारण नकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। जातक की माता की तबीयत खराब रहेगी, माता के साथ जातक के हमेशा मतभेद होंगे। जातक को अपने दोस्तों से छल देखा गया है, ऐसे जातक को किसी पे विश्वास न करें, जातक को छल बहुत जल्दी देखने को मिलता है ऐसे में। और यहाँ पे जातक को मकान बनाने में दिक्कत, वाहन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत, जिंदगी के अंदर जो भी इच्छा होगी उसमें हमेशा जातक को डिले मिलेगी। पर अगर यहाँ पे मंगल बैठ गए फिर जातक का नीच भंग करा देते हैं और मंगल लक्ष्मी योग बन जाता है, जातक को भूमि से रिलेटेड बहुत फायदा होगा, ऊंच कोटे का मकान, ऊंच कोटे का वाहन और भूमि से रिलेटेड हमेशा जातक को फायदा। जातक के पास भूमि बहुत होती है और जातक की माता का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है
और जातक को मित्रों का सहयोग मिलता है। जातक को कर्म भी अच्छे होते हैं, मान सम्मान तो प्राप्त होता ही है, कर्म के क्षेत्र में भी फायदा और बिजनेस के क्षेत्र में भी जातक को फायदा। लेडीज रिलेटेड काम से उसको हमेशा फायदा, भूमि से रिलेटेड काम से हमेशा फायदा। पर अगर वहां पे मंगल नहीं है तो फिर ज्यादातर चंद्रमा को दिक्कत, इस भाव से रिलेटेड चंद्रमा को हमेशा दिक्कत देखने को मिलेगी। पांचवें भाव के अंदर कैसे देंगे, तो यहाँ पे है तो अपने मित्र राशि के अंदर, पर यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी है, तो बच्चे जातक के, हम बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, जातक के बच्चे माता पिता से दूर जाके अपना भाग्य उदय करने वाले होंगे। और बच्चों की जातक, ऐसे में जातक को बच्चों की हमेशा टेंशन लगी रहेगी, पर बच्चे तेजस्वी होंगे, पढ़ाई करने के लिए दूर होंगे। पहली पुत्री होने का योग बनाता है जातक का। शेयर में पैसे बिल्कुल खर्चा ना करें, शेयर में पैसा करते ही आपको डूब जाएंगे, आपको हमेशा नेगेटिव ही पल मिलेंगे। छठे भाव के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे चंद्रमा अपने शत्रु राशि के अंदर, तो यहाँ पे अगर लग्नेश बलि हैं, सूर्य केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं इन चार भावों में या इनमें, और वो बलि हैं, उनके पास बल बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बना देंगे। अगर विपरीत राजयोग नहीं बनाते हैं, सूर्य की कंडीशन खराब है, तो जातक को कोर्ट कचहरी में दिक्कत होगी, जातक को मानसिक पीड़ा हो सकती है, जातक को पीलिया किडनी लंग्स से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, जातक को अपने मामा से के साथ मतभेद हो सकते हैं, शत्रु जातक के ऊपर हमेशा भारी रहेंगे, मानसिक रोग हो सकते हैं जातक को। पर अगर यहाँ पे सूर्य मजबूत हो गए तो जातक को इनिशियल स्टेज में थोड़ी दिक्कत देंगे, बाद में संघर्ष करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जातक बहुत पैसे कमाएगा, विदेश में भी बहुत अच्छा योग मिलेगा, और जातक को चंद्र की दशा अंतर दशा के अंदर थोड़ा इनिशियल स्टेज में थोड़ा परिश्रम कराएंगे और बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सातवें भाव के अंदर तो कैसे कराएंगे, विवाह में थोड़ी देरी कराएंगे, विवाह जीवन में थोड़ी लेट कराएंगे, जातक की पत्नी बहुत हसमुख सुंदर होगी, और पर यहाँ पे अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो जातक का विवाह में तो लेट कराएंगे ही कराएंगे, बल्कि पत्नी के साथ मतभेद भी हो सकते हैं। शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ तो विवाह को लेके कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ सकता है। आठवें भाव के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पे भी चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाते हैं, तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज में दिक्कत देंगे, बाद में जितने भी बाधा होंगे, जितने भी ऑब्स्टेकल होंगे, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होंगे। जातक परिश्रम करके, मेहनत करके सब के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होगा। बट अगर यहाँ पे सूर्य बले नहीं हुए तो जातक के कॉन्फिडेंस में कमी होगी, फिर जिंदगी भर ऑब्स्टेकल में जिएगा, फिर उसको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। नवम भाव के अंदर चंद्रमा अपने मित्र राशि के अंदर कैसा रिजल्ट देते हैं, तो जातक बहुत धार्मिक किस्म का होगा, पिता से प्यार करने वाला होगा, माता से प्यार करने वाला होगा, जातक का भाग्य उदय होगा चंद्रमा की दशा अंतर दशा के अंदर, और विदेश यात्रा करने वाला होगा, और यात्रा से विदेश में भी हो सकता है कि जातक विदेश भी सेटल हो जाए, विदेश में जातक का भाग्य उदय हो। चंद्रमा की दशा अंतर दशा के अंदर जातक को हमेशा भाग्य का साथ मिलेगा। जातक को यहाँ पे छोटी बहन के भी योग बनते हैं, और जातक को अपने पिता से प्यार करने वाला होगा, पैतृक संपत्ति बढ़ाने वाला होगा। पर जातक को जब भी विदेश की यात्रा जब भी ज्यादा अच्छी मिलेगी, जब जातक विदेश में सेटलमेंट होगा, जातक का विदेश में सेटल होगा, और जातक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से भी बहुत फायदा मिलता है। चंद्रमा 10वें भाव के अंदर ऊंच का हो जाता है, तो जातक को यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है, जातक एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जातक को हमेशा फायदा मिलेगा। जातक अगर यहाँ पे पानी से रिलेटेड काम करे, जातक सफेद चीजों से रिलेटेड काम करे, कोई भी लिक्विड चीजों से काम करे, तो जातक को हमेशा बिजनेस में सफलता ही सफलता मिलेगी। जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और अच्छे कर्म करने के बावजूद सारे भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा 11वें भाव के अंदर अपने शत्रु राशि के अंदर कैसे रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पे मित्रों के ऊपर बहुत पैसा खर्च कराएंगे, और यहाँ पे बड़ी बहन के भी योग बनाता है और पुत्री के भी योग बनाता है, और जातक को धन का हमेशा अभाव लगा रहेगा। ऐसा जातक देखा गया है कि बड़े भाई बहनों पे और मित्रों पे बहुत पैसा खर्च करता है। 12वें भाव के अंदर भी चंद्रमा विपरीत राजयोग बनाते हैं, अगर शनि की कंडीशन अच्छी हुई तो जातक को विदेश में बहुत फायदा होता है, और विदेश में बहुत पैसा अर्जित करके अपने कुटुंब पे खर्च करने वाला होता है। ऐसे में जिंदगी के अंदर जातक को सब चीजें मिलती हैं। तो मैंने आपको सिंह लग्न के अंदर चंद्रमा का क्या प्रभाव रहता है 12 रिजल्ट के बारे में, इसके बारे में बताया। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और
अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों।